सपना देखा कि सपने में मेरी स्किन एक बंदा जल गया, जब तार टूटी फिर आपकी स्किन भी ऐसे जल गई। जब आप सपना सपने से आपको जैसे उठे, आप जब आपको होश आई सपने से आप उठे सुबह, फिर ये जो प्रॉब्लम है उसी दिन स्टार्ट हो गई कि एक दो दिन बाद हुई? नहीं, उसी दिन स्टार्ट थी, स्टार्ट हो गई थी, पहले थोड़ी थी, फिर ज्यादा होगी, मतलब कम थी, पर वो सपने में जो देखा उस सपने के बाद आपकी स्किन पूरी खराब होगी, पूरे धब्बे बन गए और पूरी स्किन फूल गई ना ऐसे, उनमें क्या भर गया था? रेशा भर गया था, और इसे आप बड़े परेशान होंगे, जलन होती होगी, बहुत जलन होती होगी ना, सो नहीं पाते होंगे अच्छे से। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सविता है और जो मोहकमपुरी के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 2 महीने हो गए थे इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, और जिसके कारण जे बता रहे हैं कि जे मेडिसन ले रहे थे पर कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जे बता रहे हैं कि जिसके कारण इनसे घर का कोई भी काम नहीं जे कर पा रहे, इतनी ज़्यादा इनकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी, और जे बता रहे हैं कि जैसे जे 2 महीने से इस प्रॉब्लम में थे तो उन दिनों में जे बता रहे हैं कि इनको रात के समय ऐसे सपना आया, और जिसके कारण जे बता रहे हैं कि नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण जो इनको सपना आया था, तो जे बता रहे हैं कि सपने में इनको ऐसे दिखाई दिया कि जो इनका पूरा फेस है जल गया है, पूरा फेस ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो जैसे इनको रात के समय सपना आया, तो दिन में जैसे इन्होंने जब दिन में इन्होंने देखा तो वैसे इनके फेस पर पूरा फेस जो था वो जल गया था, ऐसे इनकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो हम उस समय की पिक को देखेंगे। हम देख सकते कि इनकी जो पूरी स्किन है बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब चुकी थी, इनकी स्किन पर ऐसे छोटे छोटे दाने हो गए थे जो रेशे से भर गए थे, और स्किन भी जल गई थी। जब बता रही कि जैसे इनको सपना आया था, तो सपने में ही नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण दिन में पूरी तरह इनका फेस ऐसे ख़राब हो चुका था, तो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके और जो बहुत ज़्यादा डर गए थे, और क्योंकि जो इसकी मेडिसिन ले रहे थे जो बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, पर जब ये प्रॉब्लम आ गई तो और भी ज़्यादा जो परेशान हो चुके। फिर इन्होंने टेस्ट भी कराए तो टेस्टों में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, इनकी बॉडी में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ गई, प्लस डॉक्टर ने बताया कि इनके जो सेल है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और इनका जो खून है वो भी कम हो गया है, और जो बता रहे कि जिसके कारण घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। और फिर जो बता रहे कि इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की 14 फरवरी के दिन, और जब बता रहे कि उस दिन पर्सनल मीटिंग थी और इन्होंने टीम के साथ बात की, तो टीम ने जैसे इनको उत्साहित किया कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो आप आज मीटिंग है, आप मीटिंग में आ सकते हो। तो जैसे फिर जो सिस्टर उसी प्रॉब्लम में उस दिन जो बहुत ही परेशान थे क्योंकि जो चल भी नहीं सकते थे, और जैसे फिर जो मीटिंग में आए तो इन्होंने परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया, तो जब इनके लिए एक अंगीकार की अच्छे अंगीकार की प्रार्थना की गई, तो जो बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, पहले हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरी स्किन ने पाप ने पाप दी प्रभुता ने फिर तो खराब करती, खुदा इसलिए तुसी मेरे पाप ले, मेरे दुखा ले, मेरे नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे नहीं, तुसी सलीब उत्ते मारे गए, गड्ढे गए, तीजे दिन मुर्दियां चो जी उठ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਸ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਗਈ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मार खाने से आप अच्छे हो चुके हो, और आपने डरना नहीं और विश्वास करना है। और जैसे फिर इन्होंने जो बता रहे कि जब पर्सनल मीटिंग में इन्होंने वचन को भी सुना और इनके लिए जो प्रेयर हुई थी, तो इन्होंने उस अनुसार प्रार्थना की, धन्यवाद दिया परमेश्वर को। तो जो बता रहे कि जो कि 2 महीने से जो
बहुत ही परेशान हो चुके थे, कोई भी काम नहीं कर सकते थे और फेस भी पूरा इनका जो इनकी स्किन थी वो पूरी तरह से जल गई थी और रेशे से इनके पूरे फेस पर जो पूरे रेशे से इनका फेस भर गया था। तुझे बता रहे जैसे इनके लिए प्रेयर हुई, तुझे बता रहे कि कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने अपनी समझ से इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया, क्योंकि जो जितने भी ये मेडिसिन खा रहे थे 2 महीने से, मेडिसिन भी इन पर कुछ भी इनको असर नहीं कर रही थी, क्योंकि जो एक नेगेटिविटी का प्रभाव था जिसके कारण इनको मेडिसिन से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे इन्होंने वचन को सीखा, अपने जीवन में वचन को ग्रहण किया और प्रार्थना में बने रहे, धन्यवाद किया, तो परमेश्वर ने कुछ ही दिनों में इस बहन को पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया और अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि ये चल नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते और आज बिल्कुल सही है। हम देख सकते जो इनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, स्वेलिंग हो गई थी, आज पूरी तरह परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया। तो सच में कलीसिया इस गवाही के लिए जे परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, तो हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जो कि 2 महीने हो गए थे जिस इसमें बहुत परेशान हो चुकी थी, इस प्रॉब्लम से अपना काम नहीं कर सकती थी, पर जैसे इन्होंने मीटिंग के वचन को सुना तो आज उस वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। इस गवाही के लिए जे परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए। तो इनको माइक दो। क्या नाम है आपका? सविता। ये प्रॉब्लम आपको आज से कितने दिन पहले आई? हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले? क्या सपना आया था? मैं सुन रहा था। हाँ जी पापा, ये ऐसे सपना आया, मैं सो रही थी तो ऐसे ना तार टूट गई। तार क्या टूट गई? तार टूट गई तो बड़ा नुकसान हो गया। तार टूट गई और सपने में और हाँ बड़ा नुकसान हो गया। हाँ जी। फिर मैंने अपने घर को देखा वहाँ पे, तो मैं देख रही कि मैं क्या, मैं ना फोन करके पूछूं फला डैडी को कि ठीक ठाक गए सारे, तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं ही सारी रेशे रेशे से मेरी स्किन भर गई सारी। जब तार टूट गई तो दोबारा से मुझे दोबारा बताओ, जब तार टूट गई? तार टूटी तो अपने मैंने घर को देखा कि बड़ा वहाँ पे नुकसान हो गया। बड़ा नुकसान हो गया? हाँ जी। हाँ। जल गया कुछ, कुछ जल गया तार टूटने से। हाँ जी। फिर एक पाई था वो भी जल गया सारा, एक बंदा था वो भी जल गया। हाँ जी। हाँ, ठीक है। फिर ऐसे मेरा, मैं जब उठी तो मैंने देखा मेरी सारी स्किन बड़ी भैड़ी सी हुई। जब जैसे ही आप उठे, नहीं सपने में ये ऐसे आपको दिखाई दिया? हाँ जी। कि जब आप उठे तो जो सपना आ रहा था तो आपकी, हाँ, सारी स्किन क्या हो गई? जल गई। जल गई। हाँ जी। और फिर ये हालात उसी दिन से कि कुछ दिन बाद आपके ऊपर आ गए? पहले से 2 महीने से मैं ठीक नहीं थी। नहीं नहीं, ये जो बताओ। हाँ जी। जब आपने सपना देखा, हाँ जी, कि सपने में मेरी स्किन, एक बंदा जल गया, जब तार टूटी, हाँ, फिर आपकी स्किन भी ऐसे जल गई, जब आप सपने से आपको जैसे उठे, आप जब आपको होश आई सपने से आप उठे सुबह, हाँ जी, फिर ये जो प्रॉब्लम है उसी दिन स्टार्ट हो गई कि एक दो दिन बाद हुई? नहीं, उसी दिन स्टार्ट थी। स्टार्ट होगी, थोड़ी थी पहले, थोड़ी थी, फिर ज्यादा होगी, मतलब कम थी, पर वो सपने में जो देखा उस सपने के बाद आपकी स्किन पूरी खराब होगी। हाँ जी। पूरे धब्बे बन गए और पूरी स्किन फूल गई ना ऐसे, फूल गई। हाँ जी। उनमें क्या भर गया था? रेशा भर गया था। और इससे आप बड़े परेशान होंगे? हाँ जी। जलन होती होगी? हाँ जी। बहुत जलन होती होगी ना? हाँ जी। सो नहीं पाते होंगे अच्छे से? हाँ जी। खा पी? हाँ जी। लक में भी बहुत मेरे दर्द है, ऐसे कई दिनों से मैं रोटी भी नहीं खा रही थी, 2 दिनों से बहुत, मतलब की 2 महीने से बहुत ज्यादा ही बीमार हो गई। इस इतनी ज्यादा तकलीफ में थी? हाँ जी। पर फिर भी मैं चर्च आती रही, चर्च आना नहीं मैंने छोड़ा। वेरी गुड, तारीफ करो इस बात के लिए, क्योंकि जब भी हालात हो तो रुकना नहीं है। बोलो क्या? जब भी हालात हो तो रुकना नहीं है। कई लोग अपनी बुद्धि लगा लेते हैं ना, जब प्रॉब्लम कोई आती है तो ये काम इन्होंने बड़ा किया। इसके लिए फिर आपने कोई मेडिसिन भी ली? हाँ जी पापा, जब आपके वहाँ से मीटिंग करके गई, फिर मैंने
फिर नहीं लाई, फिर टेस्ट कराया, क्या आया टेस्ट में? टेस्ट में लीवर में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, खून भी 7 ग्राम रह गया। हाँ, सेल पता नहीं खून के कौन से सेल घट गए, मतलब खून के सेल भी घट गए, खून भी कम हो गया और लीवर में भी प्रॉब्लम आई, इन्फेक्शन भी आ गई। हाँ जी, ज्यादा इन्फेक्शन आई, ज्यादा इन्फेक्शन आ गई, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। फिर क्या किया उस दिन के बाद? बस जब आपने मुझसे मीट हुई, पर्सनल मीटिंग में आई ना मंडे की, तो जब आप पर्सनल मीटिंग में मंडे की आए, तो जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया, फिर मैंने प्रार्थना की, उसके बाद फिर क्या किया आपने? मैं प्रार्थना करती रही, धन्यवाद करती रही। फिर मेडिसिन खाई? हाँ जी, मेडिसिन भी खाई। भी खाई, उससे पहले कितनी खाई? उससे पहले बहुत दवाइयां खाती थी, पर मान नहीं आता था, नहीं आता था ना, ये मेन लगती नहीं थी दवाई, दवाइयां लगती थी नहीं। ये भी सुनो, मेडिकल साइंस बुरी चीज नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस भी किसकी और देन है, बोलो किसकी देन है, समझ आ रही है? पर जब मेडिसिन भी काम ना करे, बोलो क्या है, फिर बंदा बताओ कहां पे जाए? जब मेडिकल साइंस काम ना करे, तो बंदा कहां पे जाए जो इतना परेशान है? देखो, ना सो पाते, ना खा पाते, फिर कितने दिन मीटिंग के बाद, कितने दिन के बाद आपको हीलिंग मिलेगी, चंगाई मिलेगी? तीसरे दिन ही ठीक होना। ओ, तीसरे दिन में ही सारे वो पूरी आपने देखा, हाँ, कैसे शैतान ने सपने में आकर इन्हें दिखाया, एक सपना दिखाया और सपने में अटैक किया, और जैसा सपने में दिखाया कि एक तार टूट गई और बड़ा नुकसान हो गया, एक बंदा जल गया, और जब इन्होंने अपने आप को भी देखा तो ये भी, इनका भी चेहरा जला हुआ, और सेम उसी दिन इनकी स्किन ऐसे होगी, क्या होगी बोलो, उसी दिन से इनकी स्किन ऐसे होगी। पर आते रहे, मीटिंग हुई, मैंने सिखाया, प्रार्थना हुई, और तीसरे दिन ही आज आपके सामने है। कोई देखो खाली निशान है, अपने पिक में देखा क्या हाल बना था स्किन, और आज खुदा ने पूरी तरह क्या कर दिया। तारीफ करो, अनोखे काम कर, जोर से तारीफ करो, करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए। ओके, तो बने रहना, परमेश्वर को जो सुन रहे हो उन्हीं बातों में परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाने जा रहा है। ओके,